एक्चुअली जो हर दिल के अंदर का जो मोहब्बत है उसमें एक्चुअली मोहब्बत के अकॉर्डिंग ये मूवी हुई है, और इसमें एज ए मेन लीड मैं रोल प्ले कर रहा हूँ। मेरा नाम आर्यन अब्बास है, और मेरे साथ आपके सोनाली 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 गुप्ता मेरे साथ मेन लीड प्ले कर सोनाली रहे हैं, वर्मा सोनाली वर्मा एज ए लीड प्ले कर रही हैं। एंड इस जो मूवी का कंसेप्ट है, एक मोहब्बत है, मोहब्बत के सारे कंसेप्ट चल रहे हैं इसमें। ऑलमोस्ट हमारे साथ तीन हीरो और भी हैं जो इस लीड में मेन लीड प्ले कर रहे हैं। और हमारे साथ इसमें मोहब्बत में कंसेप्ट क्या है कि कंसेप्ट क्या है कि एक लॉजिक है, एक बुक्स पे एक स्टोरी हम दिए गए हैं जिसमें मैं आपको मूवी आने के बाद आपको बताऊंगा। और इसमें हमारे जो सोनाली गुप्ता जी, सोनाली वर्मा जी हैं, ये हमारे प्ले कर रही हैं और एज ए मेन लीड कंसल्ट कर रही हैं कि अकॉर्डिंग विथ। और मैं इसमें एज ए प्ले करेक्टर्स प्ले कर रहा हूँ, और हमारे साथ जो भी अकॉर्डिंग में है इसमें ऑलमोस्ट 5 सॉन्ग्स है। और ये लॉजिक मूवीज़ है, हर दिल के अंदर मोहब्बत जो कंसेप्ट है कि आप लोग एक मोहब्बत क्या चीज़ होती है, मोहब्बत क्या चीज़ होती है, और मोहब्बत के कंसेप्ट दिया गया है कि हर लोग मोहब्बत करते हैं बट मोहब्बत किस तरह से की जाती है वो ऑलमोस्ट इस मूवी में हम लोग दिखा रहे हैं, जिसमें दिलीप सर जी एज ए डायरेक्टर हैं और राइटर साहब एज ए रजा साहब हैं, कोरियोग्राफर एज ए कौसर साहब हमारे साथ काम कर रहे हैं, और इसमें दिली बिबो साहब एज ए म्यूजिक दिया है इसमें म्यूजिक मूवी में। तो गाड़ी बीती हो कि हम यही चाहते हैं कि मूवी आप लोग सब लोग देखिए, बहुत अच्छी लगेगी आपको, और इसमें बहुत कुछ लॉजिक है जो मूवी आने के बाद आपको पता चलेगा। आप इंट्रोड्यूस मुझे बताइए कि कैसे जुड़े इस प्रोजेक्ट से, क्या किरदार निभाए इस फिल्म में आप? ओके, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, नाम बताइए। हेलो, मेरा नाम सोनाली वर्मा है, एंड इस प्रोजेक्ट में मुझे एक्चुअली सबसे पहले फर्स्ट कॉल मेरी आई थी कौशल सर से, एंड देन उसके बाद में फिर मुझे अब्बास जी से मेरी बात हुई, देन फिर मैंने ऑडिशन दिया, देन ऑडिशन में उन्होंने मुझे हर एक चीज़ बताई, पूरा कॉन्सेप्ट बताया, स्क्रिप्ट बताया कि कैसे करना है, पूरा एक सीन क्रिएट किया ताकि मुझे थोड़ा इजी पड़े ऑडिशन देने में। उसके बाद देन मैंने ऑडिशन दिया, देन मैं सिलेक्ट हुई, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम फॉर सिलेक्टिंग मी। एंड कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, रोमांटिक मूवी है, फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी देख सकते हैं, बिकॉज रोमांस है पूरी मूवी में, और मैं बहुत ही खुश हूँ ये वाला प्रोजेक्ट करके। मेरा नाम इजहार अली है, मैं थिएटर भी करता हूँ, और बस अब्बास भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा। और बस अब्बास भाई ने कॉल किया कि इजहार तुमको एक करना है, और मैं इस मूवी में 4 हीरो में एक हूँ, और रजा भाई ने मुझे स्क्रिप्ट सुनाया, अच्छा लगा, हमने हाँ कर दिया, और आज जो है आप लोगों के सामने हूँ, और इंशाल्लाह बहुत अच्छी मूवी जाएगी। और सबसे अलग हट के मुझे ये चीज़ लगा इस स्क्रिप्ट में, हर दिल मोहब्बत, हर दिल के अंदर मोहब्बत, सभी इंशाल्लाह अच्छे से मोहब्बत करना सीखेंगे इस मूवी को देख के। मूवी आई एम रजा खान, मैंने इस मूवी में गाने लिखे हैं और लिरिक्स मेरे हैं इसमें, और इसको गानों को दो गाने हमारे आज के युवा म्यूजिक डायरेक्टर बेबो, उसको डायरेक्ट बी बो उसको कर रहे हैं, और बहुत अच्छा किया उन्होंने, उनके गाने सुपर डुपर होंगे इंशाल्लाह, और अपनी तरफ से उन्होंने बहुत मेहनत की है उन गानों पे, और वो गाने उभर के सामने आएंगे, जब ऑडियंस सुनेगी तो बहुत लाइक करेगी। और इस स्टोरी जो है एज ए स्क्रीन प्ले और स्टोरी, वो समय भारती, मेरे फादर का नाम है मोहम्मद अजीज़ रहमानी एंड समय भारती, उन्होंने इस स्टोरी को लिखा है, इस सब्जेक्ट को, इसका स्क्रीन प्ले डायलॉग सब उन्होंने किया है। सर बताइए कैसे प्रोडक्ट से और क्या किस तरह का संगीत इस फिल्म में? माई सेल्फ बिबो विश्वजीत भट्टाचार्य जी, और हमारे इस मूवी के डायरेक्टर सलीम साहब है, और हम मिले और स्टोरी सुनाए, एक छोटा सा लव स्टोरी है, और इस आज के तारीख का जो प्यार है, मोहब्बत है, उसको सही तरीके से कैसे किया जाए,
वही मैसेज है इस फिल्म में, और गाने की भी बहुत अच्छे लिखे और अच्छे सिचुएशंस है, तो हमने उसको कंपोज किए। और उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों गाने मेरे तो हिट जाएंगे और सबको पसंद आएगा। और इसमें गाने भी गाए मेरे मित्र विक्रांत भारतीया, जिन्होंने काफ़ी फिल्मों में गाना गाए, जिगरिया, फिर अभी मेरे एक दोस्ती जिंदा बता रही है मूवी, पार्थो घोष डायरेक्टर, उसमें भी एक गाना गाए, मैं दिल ही दिल तुम्हें, फिर मेरे साथ इंद्रानी हैं जो अच्छे सिंगर है, जो आइटम सॉन्ग गा रही है, तो सब मिला के गुल गुल हमारे टीम बहुत अच्छे है और हम जोर लगा रहे इस मूवी के लिए, और उम्मीद है कि बहुत अच्छा जाएगा। एटलीस्ट मूवी तो बनने के बाद पता चलेगा, बट म्यूजिक बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू सर। आप आ जाइए, जानना चाहूँगा कि किस तरह का संगीत है और कौन सा गाना गाड़ी, क्या सिचुएशन है इस फिल्म का गाने का? इस मूवी का नाम है हर दिल में मोहब्बत, नाम से पता चल रहा है वेरी रोमांटिक टाइप ऑफ मूवी, एंड ये मोहब्बत करना और मोहब्बत का जो एक वैल्यू है वो सिखाएगी पूरी दुनिया को। और मैं यहाँ इस मूवी में, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर विभो जी ने मुझे एक आइटम सॉन्ग के लिए बुलाया है, अभी तक गाई नहीं हूँ, बट आई नो कंपोजिशन बहुत ही प्यारा होगा। इसके अलावा कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं? अभी मेरा टी सीरीज़ का एक मूवी आया हुआ था जिसका नाम है लव शप प्यार भी, और उसमें मेरा जिस्म गाना है, बड़ा ही अच्छा चल रहा है और दर्शकों का बहुत प्यार मिला है उस गाने में, और व्यूज़ वगैरह जो है करोड़ों में चल रहा है, होप सो बहुत आगे जाएगा वो गाना। और जी से भी आया हुआ है द लास्ट टेल ऑफ कायनात, उसमें वो भी गाना बहुत अच्छा चल रहा है। हाय, दिस इज़ विक्रांत भारतीय। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, इस मूवी के लिए मैंने एक रोमांटिक सॉन्ग गाया है, इसका नाम है बरसात, बरसात हो रही है, मेरी को सिंगर अमान्य नारंग के साथ, और दर्शकों को बहुत पसंद आने वाला है सीरियसली, इट्स वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, और मेरे कंपोज़र जो हैं विश्वजीत भट्टाचार्य जी, उन्होंने कंपोज़ किया है, बेहद ही खूबसूरत गाना है, आप सबको बहुत पसंद आएगा आई एम श्योर। और इसका एक दूसरा गाना है दिल शराबी, उसमें भी मैंने कुछ लाइन्स का मेरा पार्ट है जो गाया है, वो भी बहुत ही अच्छा गाना है। इसके अलावा कौन सा प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं? माई अपकमिंग मूवीज़ आर दोस्ती जिंदाबाद एंड क्रिस्पी रिश्ते, मिस्टर कबाड़ी में ऑलरेडी मैंने गाया है, अर्जिया सॉन्ग था जो मेरा काफ़ी फेमस हुआ था टी सीरीज़ के लिए, जो कि जिगरिया मूवी के लिए गाया था, और एक मूवी का नाम है मंगल हो, जिसमें मेरा एक गाना है। नहीं, ये तो यह है शर्माई शराबी दिल शराबी वाला और एक बरसात के ऊपर है वो सॉन्ग है, और अच्छा रोमांटिक सॉन्ग बन रहा है, और उसमें अपने जो लिखे गाने रजा भाई ने, वाकई में कमाल के गाने लिखे हुए उन्होंने, और बेबो जी की म्यूजिक है और बहुत अच्छा फिल्मार है। इस गाने को तो हम बॉम्बे में शूट करेंगे, आइटम सॉन्ग तो क्लब में करेंगे, और दूसरी बात है कि बरसात वाला गाना तो पहाड़ियों में वादियों में करेंगे। तो कब तक रिलीज होने वाली है और शूटिंग कब तक खत्म होने वाली है? ये तो हम शूट अभी नेक्स्ट मंथ में शूटिंग शुरू करेंगे और लास्ट में दिसंबर जनवरी में रिलीज करेंगे। इस फिल्म में 5 सॉन्ग है, जिसमें हमने 3 सॉन्ग दिलीप जी से गवाए रोमांटिक, और 2 सॉन्ग हमने बेबो से गवाए, और क्या है कि ये पूरा मिक्स करके कर रहे, और मतलब ज़बरदस्त गाना बनेगा। हम 2 मतलब म्यूजिक डायरेक्टर को लेकर कंपोज कर रहे हैं फिल्म पे, हाईलाइट कर रहे हैं, हर फिल्मों में एक म्यूजिक डायरेक्टर रहता है, लेकिन इस फिल्म के अंदर 2 म्यूजिक डायरेक्टर लेकर फिल्म को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, और फर्स्ट टाइम ये रोमांटिक फिल्म के अंदर 2 म्यूजिक डायरेक्टर काम आ रहे, एक सीनियर और जूनियर, अब दोनों में टक्कर होगी क्या है। हाय, माय नेम इज़ कौशल शेख, आई एम कोरियोग्राफर, और आज रिकॉर्डिंग हो रही है 2 नए सॉन्ग की, जिसमें एक गाना जो है रेन सीक्वेंस पे हैं और एक आइटम सॉन्ग्स पे हैं, और बेबो जी ने बहुत ही अच्छा म्यूज़िक दिया है इसमें, बारिश वाला गाना बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है और हम लोग बहुत खुश हैं, और आइटम सॉन्ग भी बहुत अच्छा हो रहा है, और वी आर हैप्पी, हमारी पूरी टीम बहुत खुश है सारे काम से, और बहुत ही प्यारी मूवी बन रही है, जो हर दिल के अंदर मोहब्बत, ये बहुत टाइम के बाद लोगों के दिल के अंदर मोहब्बत जगा रहे हैं हम लोग, क्योंकि अभी इस टाइम पे सिर्फ डिस्को का टाइम चल रहा है
और जितने भी आप देखोगे सब मैं बोलना नहीं चाहता हूँ शॉर्ट ड्रेसिस वाले सॉन्ग्स आ रहे हैं, लेकिन हम लोग बहुत ही इसको खूबसूरती से पिक्चराइज कर रहे हैं। डायरेक्टर साहब सलीम खान बहुत ही इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, रजा साहब ने बहुत ही अच्छे लिरिक्स दिए हैं, और अब्बास भाई हमारे साथ में जो जुड़े हैं, जो मेन लीड कर रहे हैं, वो हमारे साथ हमेशा साथ में रहते हैं, एक एक चीज़ के लिए, हीरोइन के लिए, गाने के लिए, लिरिक्स के लिए हमेशा हमारे साथ रहते हैं, और हमारी टीम पूरी रात दिन इसके लिए मेहनत कर रही है, और मुझे उम्मीद है ये गाना और ये मूवी जो है बहुत ही अच्छी जाएगी, और आप लोग इसे ज़रूर देखिए। हर दिल के अंदर मोहब्बत, चाहे वो किसी भी जगह का हो, किसी भी स्टेट का हो, क्योंकि मोहब्बत किए बिना उसकी ज़िंदगी पूरी होती नहीं है, मोहब्बत से शुरू होती है और लास्ट में जब वो डेथ होती है तभी भी घर वाले उसके साथ प्यार करते हैं, यही मैसेज हम दुनिया को देना चाहते हैं। थैंक यू। जानना चाहूँगा कि फिल्म कौन सी प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रही है, क्या विषय है इस फिल्म का और किस तरह किरदार निभा रहे हैं, कितनी एक्साइटेड है इस फिल्म को लेकर आप? I am very much excited for this movie and it is under ASR production जो कि बहुत ही अच्छा है and team बहुत अच्छी मिली है क्योंकि सब बहुत अच्छे से guide करते हैं, सब बहुत अच्छे से आपको हर एक चीज़ बताते हैं कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, music बहुत अच्छा है, concept बहुत अच्छा है, as the movie's title itself says हर दिल में मोहब्बतें, तो हर दिल में कहीं ना कहीं मोहब्बत जगा देगी ये वाली मूवी एंड बहुत ही अच्छी है, और इसमें आपको रोमांस भी मिलेगा, पार्टी सॉन्ग्स भी हैं, रोमांटिक सॉन्ग्स भी हैं, एंड जो आपको एक रोमांस फील कराएगा, देन फॉर यंगस्टर्स आल्सो डिस्को सॉन्ग्स, आइटम सॉन्ग्स, इनफैक्ट आइटम नंबर भी है इसमें, और एक कंप्लीट पैकेज है इस मूवी में जो आपको मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा देखने में, एंड कॉन्सेप्ट हम आपको जब आप मूवी देखेंगे तब आपको पूरा समझ में आएगा कि हमने क्यों बोला कि मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छी है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीवन कि मुझे इस मूवी में आप लोगों ने कास्ट किया, एंड आई एम थैंकफुल टू अब्बास सर, एंड मैं इनके ऑपोजिट काम कर रही हूँ एज अ लीड, सो आई एम वेरी मच ओवरवेल्ड फॉर दिस मूवी। मैं जैसे ASR प्रोडक्शन हाउस से बहुत पहले से ज्वाइन था, और ये कंसेप्ट जो मूवी हर दिल के अंदर मोहब्बत, ये मेरा एक साल से प्रोजेक्ट मेरा चल रहा था, और मैं बहुत एक्साइटेड था कि इसको बहुत अच्छे से अच्छी निभाऊं, और इस पर मैं बहुत वर्क किया, मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी, और रजा साहब ने जो गाने दिए मुझे, ये सारे गाने मैंने सिलेक्टेड किया हूँ, और अपने प्रोडक्शन हाउस से मैंने बात किया, अपने प्रोड्यूसर से मैंने बात किया, पूरा कंसेप्ट मैंने उसको पढ़ा, और अपने डायरेक्टर दिलीप सर और कोरियोग्राफर कौसर साहब, हम लोगों ने पूरी एक टीम बनाई, एक यूनिट ढूंढा कि इस पर बेटर से बेटर हम लोग क्या कर सकते हैं, और उस पर हम लोगों ने अच्छे से अच्छा हम लोगों ने दिन रात मेहनत करके इस प्रोजेक्ट को यहाँ तक लाया हूँ। इसमें हमारे 5 सॉन्ग हैं इस मूवी में, जो हम लोग इस ऑलमोस्ट बिबो साहब को दिए हैं और 3 दिलीप सिंह को दिए हैं, क्योंकि कंसेप्ट ऐसा था कि पब्लिक जो चाहती है एक्चुअली कि मटेरियल अच्छा हो, सॉन्ग अच्छे हो, कंसेप्ट अच्छा हो, स्टोरी में लॉजिक होना चाहिए, तो ऑलमोस्ट हम ये लीड्स रोल प्ले कर रहे हैं, और इसमें मेरा नाम आर्यन अब्बास है, मैं मॉडलिंग भी करता हूँ, मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छे चलते हैं पूमा के, मैं एडिशन करता हूँ, बट मैंने सारे सब कुछ एक प्रोजेक्ट के हिसाब से मैंने इस वर्क किया हूँ, और इसको वर्क करने के बाद मैं इस यहाँ तक मुकाम पर पहुँचा हूँ, और ये मेरे साथ ही मेरे मेन लीड्स काम कर रही है, और इनका भी मेरे को बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लगा, बहुत सारे इन्होंने काम ऑलरेडी पहले भी किया, और इनको मैं लाया कि एक पब्लिसिटी मैं लॉन्च कर रहा हूँ, और कंसेप्ट क्या है कि वी अगेन टू यू कि इतनी अच्छी हीरोइन मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, और पब्लिक जो एक्चुअली चाहती है कि एज ए लीड्स रोल के लिए कैसी हीरोइन होना चाहिए, और मुझे इनके साथ काम करते बहुत अच्छा लग रहा है, और इंशाल्लाह आप लोग जब पब्लिक सिटी की रिकॉर्डिंग आप लोग बहुत लाइक करेंगे, और मूवी जब आएगी हॉल पर तब आप लोग डिसाइड करेंगे कि ऑलमोस्ट कितनी मूवी आप लोगों ने देखा, लेकिन इसमें स्टोरी सॉन्ग सो ब्यूटीफुल और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत जल्दी हम आपके सामने आएंगे और आप लोग देखिएगा, बहुत खुशी होगी आप लोग का। थैंक्स।